अस्सलाम दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं अपने पहले वाले डेरे पर और बिल्कुल सुबह अभी ये देखें आप ना, सूरज भी अभी ऊपर उभर रहा है। तो हम आपको अपना ये डेरा दिखाएंगे कंप्लीट, क्योंकि इसमें शबनम भी पड़ी हुई है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और ये अपने सोलर सिस्टम को सीधा करेंगे, उस ये दूसरे वाला कहाँ गया, हाँ इसको भी सीधा करेंगे, वो जो इससे पीछे वो खड़ा है। तो सबसे पहले दिखा देते हैं आप लोगों को हम अपने पौधे दूर से। तो ये रहा मेरा शहतूत का पौधा, आप देख सकते हैं कितना सतार कितना हो गया है। दोस्तों तो यार अभी इस पे ऊपर ना काफ़ी सारी शबनम पड़ी हुई है, ऐसे पानी ज़्यादा पड़ा हुआ है। ये देखें आपको करीब से दिखा देता हूँ। तो अभी मैं इसे पहले ही सीधा कर देता हूँ ताकि धूप के निकलने से पहले ये सूख जाए और गिरते गिरते बच गया और स्टार्ट हो जाए। दोस्तों ये देखें हमने इसको मजबूत करने के लिए ना, सोलर को सिस्टम को मजबूत करने के लिए इसको हमने नीचे ज़मीन के अंदर लगा दिया है और इसके अंदर वो सरिया फिट कर दिया है। दोस्तों ये रहा हमारा बड़ा शहतूत वाला पौधा, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना बड़ा हो चुका है। हमने इसको थोड़ा सा ना बांध दिया था कि ये सोलर पैनल पर ये साया पैदा ना कर सके। अब ये देखें हमारा जामुन का पौधा, इधर थोड़ी सी सफाई की है, वो बेकार वाला ग्रास यार उगा हुआ था ऐसे, तो डर लगता था कोई सांप वगैरह ना बैठा हो। आप देखें दोस्तों तो दोस्तों ये सामने जो आपको नजर आ रही है ना बैल, काफी सारे खूबसूरत से फूल लगे हुए हैं। मैं उनको आपको बैक साइड से भी दिखा देता हूँ, उधर भी काफ़ी नीचे आ चुकी है और काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये देखें दोस्तों ऐसे चमक रही है। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। दोस्तों इसके साथ साथ आप लोगों को मैं अपनी धान की फसल भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये रही मेरी धान की फसल, माशाल्लाह इसको वो बीज आ चुका है। तो दोस्तों वो रहे वो जो से क्या कहते हैं यार है, बैल। दोस्तों ये रही हमारी बैल, तो ये यहाँ तक नीचे आ चुकी है, आप देख सकते हैं। सुबह का मौसम है और हर तरफ शबनम है पौधों पे, तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है और सुकून दा माहौल भी है। ऐसे ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, बस कभी कभार कोई गाड़ी गुजर जाती है, वैसे इधर पूरा सुकून है। और परिंदों की आवाज़ें आती हैं ऐसे, कावें काएँ काएँ। यार पहले गर्मियों में ना इस टाइम कोयलों की आवाज़ आती थी, अब ये कौवे को आ रही है, पता नहीं क्यों। हर किसी का एक सीज़न होता है। तो दोस्तों अब ट्यूबवेल स्टार्ट करने का टाइम हो चुका है और अब मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी पॉइंट देखते हैं कि कितने पॉइंट तक जाता है और उसके बाद पानी का अंदाज़ा लगेगा। अगर 30 से ऊपर जाएगा तो पानी निकाल आएगा, और पानी थोड़ा ज़्यादा भी होगा अगर 20 से ऊपर होगा, यानी कि 33, 34, 35 से। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से
ट्यूबवेल का पानी बाहर आ चुका है और ये तकरीबन 9 से 10 बजे तक पानी फुल कर जाएगा ये ट्यूबवेल का। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।